नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, आप लोग कई दिन से इस बात के लिए रट लगाए थे सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी। देखिए वो आ गई, जैसा कि हमने ऑलरेडी अपने बैच में कहा था कि फरवरी के लास्ट वीक में या हो सकता है कि मार्च में आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। और जैसा कि हमारी संस्था के द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है, इसका नाम है एकलव्य बैच। एकलव्य बैच मतलब ये मत समझिएगा कि गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपसे आपका अंगूठा मांगेंगे, आपका स्टार मांगेंगे, नहीं। एकलव्य बैच मतलब क्या कि वैसा आपको वैसा विद्यार्थी बनना है कि जो सिर्फ आप अपने गुरु की छाया को देखकर अपने निशाने को सही से लगा ले, बाकी हम आपके साथ ही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संस्था में इस बैच की शुरुआत हो चुकी है और हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम लिंक है, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं और जो भी इससे नहीं भी जुड़ना चाहते हैं वो दोनों लोग जुड़िएगा, जिससे आपको आगे चलकर काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस बार जो यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, जो पैटर्न ऑफ एग्जाम होगा, उसका लेवल जरूर हाई होगा। पिछले के मुकाबले मत चलिएगा कि सर यूपीएसआई जैसा पहले था वैसे होगा, नहीं, इस बार थोड़ा सा उसका लेवल जरूर हाई होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अगर आपको हमारी संस्था से, हमारे बाकी गुरुजनों से जुड़ना है, हमारी संस्था के इस बैच से जुड़ना है, तो आपको नॉर्मल इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है एंट्री यूपीएसआई 2021 लेकर 7398035775 पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। बाकी अगर आपको कोई समस्या है बैच से रिलेटेड या कुछ और भी जानकारियां आपको चाहिए तो ये नंबर है जिसपे आप कॉल करके आप अपने सारे डिटेल्स ले सकते हैं। आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, इतिहास। जनरली इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है कि अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम होना, एक दिन आपका एग्जाम होना नहीं है या दो दिन, ये आपका शिफ्ट वाइज एग्जाम चलेगा। किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है आपको कई सारे सवाल आ जाएं इतिहास के, हो सकता है किसी शिफ्ट में आपको सवाल लाए। देखिए मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि जैसे पिछली बार जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें एक रेशियो दिया गया था कि 24 क्वेश्चन मूल विधि संविधान से रहेंगे और 16 क्वेश्चन बाकी जीएस से रहेंगे। लेकिन हंसने की बात यह है कि ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं आया। किसी किसी पैटर्न में तो संविधान के या मूल विधि के सवाल भी नहीं थे, किसी किसी शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ जीएसई था। तो आपको यह नहीं सोच के पढ़ना है कि हमें एक शेड्यूल बना के पढ़ना है, नहीं, हमें पूरी चीजें पढ़नी है। और यह मुद्दा नहीं है कि मेरे तीन प्रश्न आए, चार प्रश्न आए या एक प्रश्न आए। मुद्दा यह है कि अगर मेरे एक प्रश्न से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतिहास एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको पढ़ना कैसे, ये सबसे बड़ी टैक्टिस है। सब पढ़ने के लिए चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों, अगर सब पढ़ने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो बड़ी समस्याएं हो जाएंगी आपके साथ और चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आज का जो हम टॉपिक चालू करते हैं, हम आज के टॉपिक की स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म से। आप ये कहेंगे कि सर आप बौद्ध धर्म क्यों उठाए, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा चैप्टर है, इसमें से जो भी विद्यार्थी या जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने बिहार एसआई का एग्जाम दिया होगा या बिहार एसआई का मेंस दिया होगा या यूपीएसआई के एग्जाम होंगे, वहां पर देखेंगे बौद्ध धर्म से सवाल अक्सर बनते हैं। अक्सर मतलब क्या, 100 out of 99% है कि बौद्ध धर्म से सवाल आपको बनेगा ही बनेगा। और अगर बिहार का एग्जाम देते हैं तब तो आप छोड़ ही दीजिए, 2 या 3 सवाल अक्सर इस टॉपिक से आते हैं। यहां पर खड़े होने के पहले दोस्तों हम लोग चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तब आपको चैप्टर की शुरुआत कराते हैं। क्योंकि एक प्रमोशन वीडियो में आपको, अगर एक प्रमोशन वीडियो से आपके एक क्वेश्चन फंस जाएंगे तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो चलिए, तो आज हम बौद्ध धर्म की शुरुआत करेंगे। और बौद्ध धर्म की शुरुआत ऐसे कोई अचानक नहीं हुआ था, चीजों को समझने का प्रयास करिए। किसी भी नई चीज का जब उदय होता है तो वो जब किसी चीज का उदय होता है तो ऐसे नहीं होता कि हम आज सोए और कल उठे और हमने कहा कि एक नया धर्म बनाना है और वो धर्म बौद्ध धर्म होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। वैदिक युग के बाद क्या हुआ कि कई देशों में धार्मिक आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जैसे कहीं पर क्या कहते हैं जरथुष्ट कर रहे थे, जैसे कहीं कहां पर क्या कहते हैं आपके कई सारे लोग थे जो इस आंदोलन को चला रहे थे। उसी हिसाब से क्या हुआ कि भारत में भी धार्मिक सुधार आंदोलन देखने को मिला। अब इसको धार्मिक सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं, नहीं तो बहुत लोग कह सकते हैं कि 6 ईसा पूर्व के पहले का भारत। तो इस समय क्या हुआ कि ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, इसका एक कारण था। कारण क्या था, वैदिक युग में क्या था कि ऋग्वैदिक काल तक सारी चीजें नॉर्मल थी, वहां पर जो कर्मकांड थे नहीं, जो वर्ण व्यवस्था थी वो वहां पर कर्म आधारित थी ना कि जन्म आधारित थी। कर्म के आधार पर लोगों के क्या कहते हैं वर्णों को डिसाइड किया गया। धीरे धीरे आगे चलकर क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक आया तो वहां पर वर्ण व्यवस्था कर्म को हटाकर जन्म आधारित कर दिया गया,
जन्म आधारित कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे मेरा नाम गौरव पांडे है तो मैं जिंदगी भर पांडे ही रहूंगा, चाहे मैं कोई भी कार्य करूं, मतलब मेरे आगे ब्राह्मण लग गया। तो जब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों में वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई, भेदभाव होता गया, ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च समझता गया, धीरे धीरे फिर क्षत्रिय सेकंड पोजीशन पे आए, फिर वैश्य आए, फिर शूद्र आए, तो वर्ण व्यवस्था जटिल बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसके साथ साथ क्या था कि अथर्ववेद में और यजुर्वेद में कई प्रकार के कर्मकांड आ गए थे, जैसे वराजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब यज्ञ करिए, या जादू, जैसे अथर्ववेद में है जादू टोना, झाड़ फूंक, ये तमाम प्रकार की कुरूतियां क्या है धीरे धीरे विद्यमान होने लगी। ये आज की भी डेट में देखने को मिलता है, जब आप सुबह, मान लीजिए सुबह आप रनिंग पे जाते होंगे, किसी चौराहे पे आप देखे होंगे कि लोग जल छोड़ के रखते हैं, लोग मेटी में कुछ रखते हैं, तो ये सब एक क्या है, कर्मकांड है, जादू टोना ही है जो लोग करते रहते हैं। तो पहले क्या हुआ कि ये कर्मकांड, देखिए ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, इस धर्म का उदय क्यों हुआ मैं आपको ये बता रहा हूं। ये कर्मकांड धीरे 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 बढ़ता हुआ चला गया, ब्राह्मण खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, जैसे वो किसी को कहते वही काम उसको करना पड़ता, वो कहते अगर कहीं वो अगर किसी युद्ध का डिसीजन करते, अगर वहां पर क्षत्रिय जीत जाते तो ब्राह्मण खुद क्रेडिट ले लेते कि भाई हमने ऐसा कहा इसलिए वो जीते, अगर वो हार जाते तो उनके ऊपर गलती डाल दी जाती कि तुम अपनी गलती की वजह से हारे, तुमने सही से युद्ध नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब धीरे धीरे क्या हुआ कि दूसरी जातियों को नीचा दिखाया जाने लगा और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाने लगा, तो यही कारण था कि बाकी जातियों को अब ब्राह्मण धर्म से उनका मन हटने लगा, और इसी समय एक नए धर्म का उदय हुआ जिसको बौद्ध धर्म कहा गया, और लोग इस धर्म पर बहुत ही ज्यादा फोकस हुए और इस धर्म में प्रभावित होने लगे। रीजन ये है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक माइनॉरिटी से डिफरेंस है। देखिए हो सकता है मेरे वक्तव्य गलत हो, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक माइनॉरिटी से डिफरेंस है। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों के प्रवेश को वर्जित किया गया था कि ब्राह्मण इस धर्म में नहीं आ सकते हैं, लेकिन जैन धर्म में यह चीज नहीं थी। मतलब क्या है कि जो ब्राह्मणों की वजह से जो असमानताएं आई थी, जो वर्ण व्यवस्थाएं आई थी, उसकी वजह से ये लोग ब्राह्मण को अपने धर्म में एंट्री नहीं अलाउ किए थे, और इसीलिए एक क्षत्रिय के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जितने भी आप देखेंगे क्षत्रिय होंगे वो बौद्ध धर्म में जरूर प्रभावित होंगे और जरूर बौद्ध धर्म की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्योंकि जितने भी धर्म चलाए गए थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये क्षत्रिय के द्वारा ही चलाए गए थे। तो इन तमाम कुरूतियों के द्वारा किस धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग कई बार पढ़े होंगे मैं मानता हूं इस बातों को, लेकिन एक दूसरे टेक्टिस से पढ़ने का प्रयास करिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बौद्ध धर्म। देखिए इनके जो इनकी जीवनी के बारे में पहले जान लेते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था। तो कहने का मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली नॉर्मली लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक। पिता का नाम सुद्धोधन था, ठीक। सुद्धोधन जो थे ये शाक्य गण के मुखिया थे। किस गण के? शाक्य गण माने एक समूह होता है, ठीक है। ये शाक्य गण के मुखिया थे, कहने का मतलब ये एक क्षत्रिय थे, छात्र गण शाक्य गण के क्या थे, मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम महामाया था, ठीक है। महादेवी नहीं, कई लोग महादेवी बताते हैं तो उसे उसका उनका पूरा नाम महामाया महादेवी था, वो अलग मुद्दा है, लेकिन महामाया को जान के रखिए। इनकी माता का नाम महामाया था जो कि कोलीय वंश की थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये MPSI में आया हुआ सवाल है, जो कि कोलीय वंश की थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। तो बुद्ध के जन्म के
सातवें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। जिसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। आगे चलकर क्या हुआ दोस्तों कि सुद्धोधन जो थे, सुद्धोधन ने इनकी मौसी से मतलब गौतमी प्रजापति से विवाह कर लिया, जो कि जिनको सौतेली मां के रूप में भी जाना जाता है। पर देखिए, सौतेली मां कहिएगा जरूर, लेकिन सौतेली मां जैसा इनके अंदर कोई गुण नहीं था जैसे लोग दिखाते हैं आज के समाज में। सौतेली मां के जैसा इनके अंदर कोई गुण नहीं था। इन्होंने गौतम बुद्ध को मतलब सिद्धार्थ को बहुत ही प्यार से इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था। सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन उठता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। नाम में नहीं, इनके कुल में उठता है। कई लोग कहते हैं कि ये कोली वंश की थी। नहीं, ये शाक्य गण की ही एक मतलब शाक्य गण की ही एक महिला थी। अब आप लेके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर गौतम बुद्ध भी शाक्य गण के और यशोधरा भी शाक्य गण के, तो दोनों भाई बहन हो गए, भाई बहन का विवाह कैसे होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पांडे हूं, पांडे का पांडे में विवाह हो सकता है, सभी पांडे हम भाई बहन नहीं हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी वो किस गण की थी, वो भी शाक्य गण की थी। ठीक है, तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था और ये भी शाक्य गण की थी। खास बात क्या है कि यशोधरा को हम तीन और नामों से जानते हैं। यशोधरा को हम बिंबा, गोपाल और भद्र कच्छना के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और लास्ट बार जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया भी था कि निम्न में से हम यशोधरा को किस नाम से नहीं जानते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन थे। ठीक है, याद रखिएगा कि हम यशोधरा को बिंबा, गोपा और भद्र कच्छना के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ सिद्धार्थ के पुत्र का नाम जो था, याद रखिएगा, सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। क्या अर्थ होता है, एक और बंधन, मतलब इनके जिंदगी में पहले से इतने भी बंधन थे, उसी में एक और बंधन आ गया जो कि उनका पुत्र था और उसका नाम क्या था, राहुल। अब आते हैं यहां पर। कई सालों तक इस बात का मतभेद हुआ, कई सालों तक इस बात पे कंट्राडिक्शन चला कि गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो बिहार में हुआ था, सॉरी गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो बिहार में हुआ था, बिहार के कपिलवस्तु में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने अपने आप को क्लियर करना चालू किया। उन्होंने कहा कि ये कपिलवस्तु क्या है, ये पहले जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर है वो पूरे एरिया को कपिलवस्तु कहा गया। ठीक है, जहां कहीं कहीं पिपली भी मिलता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जब अशोक जो था, तो अशोक ने जब रुमिनदेही की यात्रा की थी, यहां समझिएगा, अशोक ने जब रुमिनदेही की यात्रा की थी, रुमिनदेही नेपाल में एक स्थान है, क्योंकि जब अशोक ने रुमिनदेही की यात्रा की तो उसने वहां पर क्या किया था कि रुमिनदेही में जो कर थे उस कर को समाप्त कर दिया था, टैक्स को। इसीलिए कहा जाता है कि अशोक का एकमात्र जो शिलालेख है, रुमिनदेही शिलालेख, वो क्या है, वो आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है। आर्थिक नीति से कहने का मतलब क्या है कि जिसमें उसने पैसे से रिलेटेड कोई बात कही है। इसके अलावा अशोक के जो भी शिलालेख हैं वो प्रशासनिक या धार्मिक नीति से जुड़े हुए हैं, तो खैर वो अशोक में डिस्कस करेंगे। तो जब अशोक ने नेपाल की यात्रा की, अशोक और उसकी पुत्री चारुमती स्वयं गए थे,
तो जब उन्होंने नेपाल की यात्रा की तो वहां पर उन्होंने उसने एक रुमिनदेई शिलालेख लिखवाया। उसी शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु जिले के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ है। बात को ध्यान समझ जाएगा। अब हो सकता है कि इस समय बिहार और नेपाल एक साथ हो और कपिलवस्तु जो जिला हो वो पूरे बिहार और नेपाल को क्या करता हो, कवर करता हो। उससे बड़ी बात लेकिन यह है, मेन चीज बात यह है कि गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में नहीं, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। तो खास बात यह है कि इसको ऐसे लिखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अशोक के रुमिनदेई शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि सिद्धार्थ का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु या कपिलावस्तु दोनों भी मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा, कपिलवस्तु जिले के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। देखिए आपको यहां से जो इतने टॉपिक हैं, सबसे बड़ी चीज क्या होती है सफलता की दोस्तों, अगर यही आपको अगर यहां से अगर ये टीचटी पिचटी होते, अगर यहां से आपको 100 सवाल आने, 125 सवाल आने, 65 सवाल आने, तब तो एक अलग मुद्दा है, तब तो फिर आंख बंद करके रटते जाइए। नहीं, एक स्मार्ट विद्यार्थी वो नहीं होता है जो अच्छे कपड़े पहने, नहीं, एक स्मार्ट विद्यार्थी वो होता है कि जो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी चीजों को पढ़े। जरूरत के हिसाब से अपनी चीजों को पढ़ने का मतलब यह है कि उसे कितना पढ़ना है और कितना ज्यादा छोड़ना, ये याद रखे। ये इतनी कहानियां हो सकता है सभी को पता हो, देखिए बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इतनी कहानियां सभी को पता होंगी, लेकिन यहां से चुनिंदा सवाल कैसे बनेंगे। जैसे अब गौतम बुद्ध की मां का नाम नहीं पूछेगा, उनकी माता का नाम, वो किस वंश की थी ये पूछा जाएगा। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया, या कहीं कहीं महामाया महादेवी मिलता है, तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कोलीय वंश की थी, पहली चीज। दूसरी चीज आपको जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनेगा कि अशोक का जन्म नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ है, इस बात की जानकारी कहां से मिलती है। तो इस बात की जानकारी अशोक के रुमिनदेई शिलालेख से मिलती है, दूसरी खास बात। तीसरी खास बात कि हम गौतम बुद्ध की पत्नी को किन किन नामों से जानते हैं, या निम्न में से किस नाम को हम गौतम बुद्ध की पत्नी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, तो जिसमें है कि हम गौतम बुद्ध की पत्नी को बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो हो गया गौतम बुद्ध की जीवनी, जो कि इतनी सारी बातें थी। नोट्स बनाते चलिएगा और मैं आपको इस बात का दावा करता हूं, देखिए ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, यहां से एक सवाल या दो सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे, किस शिफ्ट में रहेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूं, इतना तो मैं भी अंतर्याम ही नहीं हूं, लेकिन आपके सवाल जरूर बौद्ध धर्म से बनेंगे जरूर, इसको पढ़ के रखिएगा। चलिए अब आता है मेन मुद्दा कि भैया ये जो थे ये सन्यासी कैसे बने। बड़ी अच्छी बात है, मतलब मनुष्य सब सारी चीजें हो जाती है फिर कहता है हम सन्यासी बन गए, भाई राजा के बेटे थे, ठीक है, विवाह भी हुआ, ठीक है, संतान प्राप्ति भी हुई, उसके बाद इन्हें ज्ञान हुआ, अच्छी बात है, सभी भगवान ऐसे ही, मुझे लगता है कि ऐसे ही उनको ज्ञान मिलता है, शंकराचार्य जी को छोड़ दिया जाए तो वैसे भी अगर एक हास्यास्पद बात की जाए तो शादी के बाद वैसे भी सब सन्यासी ही बन जाते हैं। खैर यहां समझिए, हुआ क्या कि जब ये पैदा हुए तो एक ऋषि आए थे, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलता है, कोई कौडिंग ऋषि कहते हैं, कोई किसी और ऋषि का नाम बताता है, उतना डीप आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, यहां समझिए। तो जैसे आप लोगों का भी जन्म हुआ होगा या मैं ही पैदा हुआ तो घर वाले बड़े खुश हुए, अरे मेरे घर रतन आए, लड़के आए, तो हमें पंडित उंडित के पास ले जाते हैं विचारने के, अरे हमारा लड़का भविष्य में क्या करेगा, कैसे होगा, कैसे क्या है, इसके हालात कैसे हैं। तो इनके साथ भी हुआ, ऊपर से तो ये राजा के बेटे थे भाई,
इनके साथ होना आवश्यक था। तो जो ऋषि आए तो उन्होंने भविष्यवाणी की, उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि जो ये आपका पुत्र है सिद्धार्थ, सुदोधन से कहा कि सुनो यहां आओ, ये जो सिद्धार्थ है तो बहुत तेज, मतलब तेज मतलब बहुत दिमाग से बुद्धि से तेज है, इसके अंदर बहुत तेज है, या तो ये बहुत बड़ा क्षत्रिय बनेगा या तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। पिताजी को बड़ा गर्व हुआ कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा क्षत्रिय बनेगा। भाई हर राजा चाहता है कि उसका बेटा राजा बने, कोई राजा चाहेगा कि उसका बेटा भिखारी बने? नहीं, हर राजा चाहता है कि उसका बेटा राजा बने। इवन अगर एक चोर भी होगा तो वो चोर, अगर चोर भी अपने बेटे को ये नहीं कहता बेटा तुम चोरी करो, नहीं, चोर भी अपने बेटे को पुलिस ही बनाना चाहेगा। तो यही था। लेकिन जब सुदोधन को जब एक ये सुनाई दिया कि यार ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, सुदोधन थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, यार ऐसे कैसे, यार एक ठो पुत्र हमारा और ये ऐसे कह रहे हैं सन्यासी बनेगा ये। तो इसीलिए उस सिद्धार्थ को महलों में कैद करके रखने लगे, मतलब उन्हें बाहर, महलों में कैद करने का मतलब ये नहीं कि जेल में, नहीं, महल के अंदर रखने लगे, बाहर नहीं जाने देना चाहते थे कि मतलब वो बाहर जाएगा तो हो सकता है भटक जाए। जैसे आप लोग भी, जैसे हम भी कोई गलती करते हैं तो माँ बाप 2-3 दिन के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, कहते हैं बंद रहो, जब बुद्धि खुलेगी ना तो समझ में आएगा, 3 दिन जब खाना पीना नहीं मिलेगा। हुआ वही, सिद्धार्थ को इनके पिता सुदोधन महलों में कैद करके रखने लगे। जब ये अपनी आदत से नहीं बाज आए, अपनी आदत से बाज आने का मतलब कि ये पशु पक्षियों की सेवा करने लगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, ये राजपाट की तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो इनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह करवा दिया। ठीक है, ये धमकी आप लोगों को मिलती होगी, ठीक से पढ़ो लिखो नहीं तो शादी पक्का करवा देंगे तुम्हारी, और शादी पक्का करवा देंगे, ये सुनते ही कई लोगों के मन में खुशी होती होगी, कई लोगों के मन में दुख होता होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो 16 वर्ष की आयु में ही क्या हुआ कि इनका विवाह करवा दिया गया, कि हो सकता है ये वैवाहिक संबंध में बंधे, ये अपनी जिम्मेदारियों को समझे, तो इन्होंने इनका विवाह किससे करवा दिया गया, यशोधरा से। लेकिन फिर वही बात, जो नसीब में लिखा है होना वही है। तो एक बार क्या हुआ कि ये अपने सारथी माने जो दोस्तों रथ चलाते हैं उनके सारथी कहते हैं, ये अपने सारथी चन्ना के साथ राज्य बिहार पे निकले। बिहार माने घूमना और राज्य बिहार मतलब अपना राज्य घूमने निकले। जब ये अपना राज्य घूमने निकले तो इनको 4 दृश्य दिखाई दिए, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव मतलब मृत शरीर और सन्यासी। तो इन्होंने सारथी से पूछा कि बूढ़े पहले पूछा कि बीमार मतलब बूढ़े व्यक्ति के बारे में कि ये कौन है सारथी। इन्होंने कहा, सारथी ने कहा कि एक दिन महाराज आप भी ऐसे हो जाएंगे। बीमार व्यक्ति के बारे में पूछा कि उन्होंने कहा कि इस संसार में इसने कई सारे ऐसे कर्म किए हैं जो ऊपर वाला इसको सजा दे रहा है। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषाएं होंगी, मैं जो अपनी परिभाषाएं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, और ये आपको पूछेगा नहीं जाएगा कि सारथी ने बूढ़े के बारे में क्या कहा, सारथी ने बीमार के बारे में क्या कहा, ये सब कभी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जब उन्होंने मृत शरीर देखा तो सारथी ने यही कहा ये दुनिया की सच्चाई है। जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो उस व्यक्ति को देखा कि वो प्रश्न व्यक्ति था, मतलब उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट बरकरार थी। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि सारथी ये कौन है, ये इतना खुश क्यों है? तो सारथी ने कहा कि ये सन्यासी है जो इस संसार की सभी मोह माया से मुक्त है। गौतम बुद्ध को भी सन्यासी बनने की भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो गौतम बुद्ध क्या हुआ कि वो सन्यासी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और जब वो सन्यासी से ज्यादा प्रभावित हुए तो एक दिन जब सब लोग सो रहे थे तो उसी समय 29 वर्ष की अवस्था में अपने घोड़े कंथक के साथ उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के लिए उन्होंने जब गृह त्याग किया तो उसका रीजन था उन्हें ज्ञान चाहिए था। क्या ज्ञान? अब वो ज्ञान क्या है ये अभी तक क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि प्राचीन भारत में जो सांख्य दर्शन का ज्ञाता होता था उसे ही सबसे बड़ा ज्ञानी कहा गया, क्योंकि सांख्य दर्शन जिसके प्रतिपादक कपिल थे, वैदिक युग में पढ़ाएंगे आपको, सांख्य दर्शन के ज्ञाता को प्राचीन भारत में सबसे बड़ा ज्ञानी या सबसे बड़ा ऋषि मुनि कहा जाता था। तो ये ज्ञान की तलाश में पहले क्या हुआ, गृह त्याग किए, फिर ज्ञान की तलाश में कहां कहां गए इसको अगले फेज में बताते हैं, पहले यहां समझिए। तो सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ राज बिहार पर निकले। और इन्हें
चार दृश्य दिखाई दिए। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। सन्यासी से प्रभावित होकर 29 वर्ष की अवस्था में, ये जो चन्ना है ना, किसी किसी किताब में छन्ना भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कहीं आप लोग छन्ना भी पढ़ेंगे तो चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो उसे प्रभावित होकर 29 वर्ष की अवस्था में अपने घोड़े कंथक के साथ सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। तो मतलब भाई अब वही के करना स्टार्ट कर दिए जहां पर इन्हें जाना था, मतलब जो इनके नसीब में क्या था लिखा था। देखिए दोस्तों, आराम से पढ़ना है, और एक चीज आप याद रखिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोज पढ़िएगा, ठीक है, एक दिन पढ़ के कुछ नहीं होता है। यू हैव टू नॉट बी अ विराट कोहली, आपको विराट कोहली नहीं बनना है नंबर वन बैट्समैन, आपको एबी डिविलियर्स बनना है। हम विराट कोहली को 360 डिग्री नहीं कहते हैं, हम 360 डिग्री एबी डिविलियर्स को कहते हैं, जो चारों तरफ शॉट खेलता है। तो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है, ऐसा विद्यार्थी बनना है, ठीक है, जिसके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हों और उस बेसिस पे कंप्लीट हों कि वो अपनी चीजें अच्छे से कर ले। एक तरफ अगर एक चीज पर फोकस करते रहेंगे तो आगे जाकर फिर आपको मुश्किल हो गया आपके एग्जाम में, अगर किसी शिफ्ट में कोई भी पैटर्न बदल दिया तो। इसीलिए सारी चीजें आपको पढ़नी है और ढंग से पढ़नी है। तो ये इन्होंने क्या किया कि ज्ञान की तलाश में इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि प्राचीन भारत में जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता होते थे, जिनको सांख्य दर्शन आता था, उनको सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता था। तो ये हम आपको बस ये समझाना चाह रहे हैं कि ये गया कैसे पहुंचे। प्लीज एकदम डीप मत घुसिएगा किसी भी चैप्टर में। और हाँ, एक चीज और, कई सारे लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो कहते हैं हाँ गुरु जी आप सही कह रहे हैं, संसार में कुछ नहीं है, सब मोह माया, सब छोड़ देना चाहिए। नहीं, मोह माया है तभी संसार है, ठीक है। चैप्टर को फील मत लाइएगा, फीलिंग मत लाइएगा, क्योंकि आप घर पे जाइए कि मम्मी नहीं, अब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ पिताश्री माताश्री, अब मैं जा रहा हूँ सन्यासी बनने, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है कि संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। नहीं, वैसा गौतम बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे, उन्होंने सारी चीजें अपनी लाइफ में जी ली, सारी चीजें इंजॉय कर ली, तब वो ज्ञान की तलाश में बढ़े। पहले आप भी नौकरी वोकरी करके शादी विवाह कर लीजिए, फिर सन्यासी बनिएगा। तो आते हैं, तो ये गया कैसे पहुंचे, ये मैं आपको बस केवल समझाना चाह रहा हूं। ये आपको पढ़ना नहीं है यहां पर, एलआर कलाम रामपुत्र के बारे में बस समझिए। ये गृह त्याग के बाद सबसे पहले एलआर कलाम के आश्रम पहुंचे, जो कि क्या कहते हैं, इस समय सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। किसके आश्रम पहुंचे? एलआर कलाम। एलआर कलाम की खास बात क्या है ये समझिए। पहली खास बात यह है कि ये सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, ठीक। दूसरी बात क्या है, इन्हें सिद्धार्थ का गुरु भी कहा जाता है। तो ये गृह त्याग के बाद सबसे पहले एलआर कलाम के आश्रम पहुंचे। अब इनको जब एलआर कलाम के आश्रम में संतुष्टि नहीं मिली तो ये वहां से आगे बढ़े। कहां बढ़े? ये गए रामपुत्रक के आश्रम। कहें रामपुत्रक भी मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। रामपुत्रक के आश्रम पहुंचे और यहां भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। देखिए, इस पर आपको डिस्कशन नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं ना कि टीएचडी पीएचडी की। रामपुत्रक के आश्रम गए, जब यहां भी इनको संतुष्टि नहीं मिली तो ये गया पहुंचे। कहां गए? गया। कहीं कहीं उरुवेला भी मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। गया में क्या था कि यहां पर एक ऋषि थे प्राचीन काल के, उनका नाम था कौडिंग ऋषि। समझिए,
यहां पर एक ऋषि थे, उनका नाम था कौडिंग ऋषि। कौडिंग ऋषि जो थे ये अन्य चार ऋषियों के साथ मिलकर तपस्या कर रहे थे और इन्हीं के साथ सिद्धार्थ भी मिलकर तपस्या करने लगे। कौन? सिद्धार्थ। एक तो नेशनल पे आता था, सीरियल आता था, उसमें दिखाया जाता था कि गौतम बुद्ध कई सारे लोगों के साथ मिलकर तपस्या कर रहे थे, तो फिर एक अजगर आता है बहुत बड़ा और सब उस समय सारे ये ऋषि डर जाते हैं और फिर वो अजगर जो है ऐसे फन काट कर गौतम बुद्ध के सर के ऊपर होता है, क्योंकि उस समय बारिश होती रहती है, तो इसीलिए विष्णु भगवान का अवतार इनको माना गया कि मतलब शेषनाग वाला इनके साथ सिस्टम है अपना। तो यहां समझिए, तो गया में क्या था, कहीं कहीं उरुवेला मिलेगा तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। गया में क्या था कि गौतम बुद्ध कौडिंग ऋषियों के साथ मिलकर तपस्या करने लगे कि भाई ज्ञान मिलेगा तपस्या से, राजा के बेटे थे। यहां पर उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की इन लोगों के साथ मिलकर। इन लोगों के साथ मिलकर सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक तपस्या की। और समझते जाइए बात को, धीरे धीरे समझिए, ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की, उसके बाद एक महिला थी, एक स्त्री थी जिसका नाम था सुजाता। ठीक, सुजाता नामक स्त्री के हाथों से गौतम बुद्ध ने खीर ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? खीर। एक्चुअली अगर सही देखा जाए तो एक भोजन होता है, अब पता नहीं खीर लोग लिखने लगे हैं तो हम भी आपको बताने लगे हैं। तो ये जब कौडिंग ऋषियों के साथ मिलकर इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की, उसके बाद सुजाता नामक स्त्री के हाथों से इन्होंने खीर ग्रहण कर लिया, तो ये सारे ऋषि नाराज हो गए। भाई नाराज होने का रीजन था, क्या रीजन था कि नाराज होने का रीजन ये था कि कभी भी कोई सन्यासी किसी महिला के हाथों के भोजन नहीं ग्रहण कर सकता। आपको पता होगा कि अगर आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा कोई गुरु उरु होंगे, सबके अपने अपने गुरु होते हैं, कुल गुरु होते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, मुझे तो थोड़ा इस पर यकीन नहीं है, तो वो जब आते हैं तो वो अपने साथ अपने जो उनके चेले होते हैं उनको लेकर आते हैं, वही उनका खाना वगैरह बनाते हैं, वो किसी घर में खाते होते नहीं, आएंगे तो फॉर्चुनर से, आएंगे तो फॉर्चुनर BMW से, तो वहीं पर उनका खाना ना उनका अलग बनता है। ठीक, ऐसे भी महंत होते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो मुद्दा क्या है कि ये सन्यासी थे, ये लोग क्या था कि महिला के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण कर सकते थे। तो क्या कि जब गौतम बुद्ध ने सुजाता नामक स्त्री के हाथ से भोजन ग्रहण कर लिया, तो ये जो कौडिंग ऋषि थे और जो 4 ऋषि थे ये गौतम बुद्ध से नाराज हो गए कि भाई तुम कैसे खा सकते हो, जिसकी वजह से ये लोग नाराज होकर कहां चले गए? सारनाथ चले गए। और अकेले बेचारे यहां कौन बैठ गए? बच गए गौतम बुद्ध। इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने गौतम बुद्ध ने गया में ही निरंजना नदी के किनारे, समझिएगा निरंजना नदी के किनारे, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और समाधि के 8वें दिन इन्हें ज्ञान मिला। ठीक, मतलब यहां पर इनको ज्ञान नहीं मिला, यहां पर ज्ञान नहीं मिला, 6 वर्ष में ज्ञान नहीं मिला, जब ये अकेले हुए और खीर खाए तो इन्हें ज्ञान मिल गया। ठीक है, अब भाई मिल गया होगा, क्या ज्ञान है उसको हम आगे बताएंगे आपको। तो कहने का मतलब हर देखिए मेरी क्लास को कोई अनथा मत लीजिएगा, मैं ऐसे हंसी मजाक पढ़ाता हूं। कहने का मतलब हर पुरुष की कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है। तो इनको क्या हुआ कि निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई, तो इनको समाधि के 8वें दिन इनको क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। अब ज्ञान मिला, और जब इन्हें ज्ञान मिला तो उसी के बाद, ज्ञान के बाद ही सिद्धार्थ, समझिएगा ज्ञान के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ठीक, और चूंकि इनका गोत्र गौतम था, इसीलिए इनका ये जो गोत्र था वो गौतम था, इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। और इसी समय सिद्धार्थ को तथागत और शाक्य मुनि भी कहा गया। कब? जब इनको ज्ञान मिला। इन तमाम नामों को याद रखिएगा, तथागत वाला सवाल आया था लास्ट बार एग्जाम में। एक्चुअली बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए जैसे बिहार के जो लोग होते हैं, या मतलब जो बलिया साइड या आजमगढ़ साइड के जो हमारे भाई होते हैं, वो लोग कहते हैं बुझली। बुझली मतलब क्या? जानना। ठीक है, बुझलेस, जानना। तो बुद्ध मतलब होता है जानना, टू नो, ज्ञान नहीं।
बुद्ध, देखिए ज्ञान लिखा जाता है क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। तो बुद्ध मतलब होता है जानना या टू नो, ठीक। अब चूंकि किताबें ज्ञान लिखती हैं तो ज्ञान वाला शब्द भी मैं आपको लिख दे रहा हूं। तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जानना या ज्ञान, दोनों आप समझिए। तो जब इन्हें ज्ञान मिला तो क्या हुआ कि ये बुद्ध कहलाए, चूंकि इनका गोत्र गौतम था इसलिए गए गौतम बुद्ध कहलाए, इनका तथागत के नाम से भी जाना गया और उसके साथ साथ शाक्य मुनि भी कहा गया। तो जब इनको ज्ञान हुआ तो ये बुद्ध हुए। पीपल वृक्ष जो था ये बोधि वृक्ष कहलाया, पीपल वृक्ष क्या हुआ, बोधि वृक्ष कहलाया, और ये जो गया था गया को बोध गया कहा गया। यहां से सवाल बनता है पॉइंट से। अब भाई ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अब ज्ञान का प्रचार भी करना है। ज्ञान का प्रचार कहने का मतलब व्हाट्सएप फेसबुक तो है नहीं या इंस्टाग्राम नहीं है या ट्विटर नहीं है कि अपनी चीजों को अपडेट कर दें और लोग इनके फॉलोअर बन जाएं। उस समय व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो था नहीं, फेसबुक। तो इन्हें अपने ज्ञान का प्रचार जो था वो घूम घूम कर करना था। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय भ्रमण करके अपने ज्ञान का प्रचार करने का। लेकिन एक आपको बात बताते हैं, ठीक है। बात ऐसी है कि जैन धर्म अपनाने वाला सर्वप्रथम पुरुष कौन था, ये सभी जानते होंगे। बौद्ध धर्म अपनाने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी, ये भी सभी जानते होंगे। लेकिन जैन धर्म अपनाने वाली सर्वप्रथम महिला वही जानता होगा जो पढ़ा होगा या जिसको मैंने बताया होगा। और बौद्ध धर्म अपनाने वाला सर्वप्रथम पुरुष कौन था या उनके गौतम बुद्ध का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना, ये भी बहुत कम ही लोग जानते होंगे। बात को समझने का प्रयास करें। शिक्षा और उपदेश, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखिए। जब कोई ऐसी बातें हो जो ज्ञान के लिए कही जाए वो शिक्षा होती है, जैसे जो मैं आपको दे रहा हूं शिक्षा है। जब कोई ऐसी बातें होती हैं जो हमारे कल्याण के लिए और लोक कल्याण समाज कल्याण के लिए हो तो वो उपदेश होता है। जैसे एक बात समझिए, स्कूल में पीरियड्स होते हैं क्लास के, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड्स, लेकिन कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं। या जब भी आप देखिए कि अगर आपके माता पिता जब आपको ज्यादा समझाते हैं कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, फलाने का लड़का सिलेक्शन पा गया, तुम क्या कर रहे हो, सारा दिन घूमते रहते हो फिर आके सो जाते हो, तो आप कहते हैं पापा ज्यादा लेक्चर मत दीजिए, बहुत उपदेश हो गया। तो कहने का मतलब ऐसी बातें जो ज्ञान के लिए कही जाए, ठीक है, जो ज्ञान के लिए कही जाए वो क्या होता है, उसे ज्ञान कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। ऐसी बातें जो लोक समाज कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए कही जाए वो उपदेश होता है। तो गया में दो बंजारे थे, तपस्सु और मल्लिक, जिनको गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना ज्ञान दिया और यही दोनों इनके सर्वप्रथम अनुयायी बने। तो तपस्सु और मल्लिक सबसे पहले बौद्ध अनुयायी बनने वाले क्या थे, पुरुष थे। तो गया में तपस्सु और मल्लिक, इन्हें सर्वप्रथम ज्ञान दिए किसने, गौतम बुद्ध ने, और यही इनके सर्वप्रथम अनुयायी भी बने। सर्वप्रथम अनुयायी, देखिए आप भी अपने नोट्स को ऐसे बनाएंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। आपको मेंस नहीं लिखना, आपको केवल एक ऑप्शन देकर टिक करना है। तो ये जो गया में दो बंजारे थे तपस्सु और मल्लिक, इन्हीं को ही गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम क्या दी, शिक्षा दी, और यही दोनों क्या हुआ, गौतम बुद्ध के सर्वप्रथम अनुयायी बने। चलो हो गया, अब इन्हें अपना ज्ञान का प्रचार घूम घूम करना था। अब ये जो गौतम बुद्ध थे ये गया से कहां पहुंचे, सारनाथ, समझिएगा। और सारनाथ में पहले से कौन मौजूद है, सारनाथ में पहले से ये कौडिंग ऋषि मौजूद हैं और उनके साथ वो अन्य चार ऋषि मौजूद हैं जिनके साथ गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, 6 वर्षों तक तपस्या की। सारनाथ में एक पार्क है जिसको हिरण उद्यान कहा गया, ये लोग यही मौजूद थे। हिरण उद्यान कहने का मतलब होता है डियर पार्क। तो सारनाथ के हिरण उद्यान में पहले से कौन मौजूद है, कौडिंग ऋषि और ये चार ऋषि। इन्हीं चारों, इन्हीं कौडिंग और अन्य चार ऋषियों को सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम क्या दिया, उपदेश दिया, और ये गौतम बुद्ध के क्या बन गए, अनुयायी बन गए।
मतलब गुरु गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गया। तो मतलब क्या कि गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, ये बात थोड़ा समझिए, कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट मत लाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद क्या हुआ कि ये गया में दो बंजारे थे, तपस्सु और मल्लिक, जिनको इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा दी और यही दोनों सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के अनुयायी बने। उसके बाद गया से ये सारनाथ गए, सारनाथ में इन्होंने कौडिंग ऋषि और अन्य चार ऋषि जो कौडिंग ऋषि के साथ मौजूद थे उनको इन्होंने अपना क्या किया, सर्वप्रथम उपदेश। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम शिक्षा कहां दी, तो सर्वप्रथम शिक्षा उन्होंने गया में दी, यहां लिख देते हैं ठीक है ताकि आप कंफ्यूज मत होइए। सर्वप्रथम शिक्षा कहां पर, गया में, और सर्वप्रथम उपदेश कहां पर, सारनाथ। तो आज के बाद से यह भी जान के रखिएगा, कभी भी कोई आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले सर्वप्रथम पुरुष कौन थे, तो वो कौन थे, तपस्सु और मल्लिक। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो बोधि वृक्ष है इसको कटवाया किसने, ये भी एक बहुत फेवरेट सवाल है जो कि आता है। तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाला जो शासक था वो बंगाल का शासक था, ठीक है, बंगाल का गौड़ वंश का शासक था शशांक। क्या नाम था, शशांक। तो बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक ने क्या किया था, बोधि वृक्ष को कटवाया था। ये पूरे चार्ट से आपको दो सिद्ध गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, यहां से भी सवाल बन जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया, ये तो प्रचलित सवाल है। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया, गौतम बुद्ध को और किन नामों से जानते हैं, गौतम बुद्ध का गोत्र क्या था, ठीक है, सर्वप्रथम शिक्षा कहां थी। इस चार्ट से आपको सवाल के जो मतलब कलेक्शन है वो अक्सर बनते रहते हैं, वो अक्सर मिल जाएंगे। तो भाई ये हुआ कि गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला और गौतम बुद्ध ने क्या दिया, उपदेश दिया, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि इनको ज्ञान क्या मिला, भाई इन्हें नॉलेज किस चीज की हुई, और फिर इन्होंने उस नॉलेज का प्रचार कैसे किया, कहां कहां किया। इनके देखिए इनके जीवन से कई सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, लेकिन कुछ ही महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हमें जानना है। फिर उनकी मृत्यु हुई, फिर इनकी मृत्यु के बाद इस धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन से हैं, बौद्ध धर्म की संगतियां कौन सी हैं, इन तमाम बातों पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल हमेशा बनते हैं। आप चाहे इतिहास उठाकर नहीं, सॉरी, आप अपने सारे एग्जाम के पेपर उठाकर देख लीजिए कि बौद्ध धर्म से सवाल अक्सर बनता है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, ठीक है। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जिंदगी में जैसे इनको ज्ञान चाहिए था, सन्यासी बनना था, वैसे आपको नौकरी चाहिए, तो मेहनत से पढ़िए और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि कई लोग हैं, कई लोग क्या, मुझे लगता है कि काफी लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिन्हें सिर्फ किसी न किसी फॉर्म का इंतजार है और जो मेहनत करेंगे। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं होता है कि जो इंसान सुबह के 8 बजे से रात को 12 बजे तक पढ़े, वो एक पढ़ाई नहीं, वो पागलपन होता है। आपको पागलपन नहीं करना है, आपको टशन पालना है, जो कि मेरा हमेशा था कि टशन करना है कि भाई क्यों नहीं कर सकता हूं, और सिस्टमैटिक वे से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी हो। सब पढ़कर कुछ नहीं होता है। अब वही चीज है कि दाल चावल रायता सब मिला लेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, तो उसमें चीजें आप अलग नहीं कर सकते। अलग अलग कटोरी में, छोटी कटोरी में जीएस इतिहास रखिए, भूगोल रखिए, साइंस रखिए, कटोरी की साइज क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ाइए, ठीक है, जो आपको खाना ज्यादा है, लेकिन खाइए सब, ये नहीं कि सबको मिलाकर खाइए। तो चीजों को अलग से पढ़िए, और मैं बार बार कहूंगा मेहनत उसी लेवल तक होनी चाहिए जिस लेवल तक आपको अपना सिलेक्शन लेना है। खैर अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।